उस तपस्वी को देखो जिसने स्वयं बैठकर एक एक पत्थर, एक एक आकार, एक एक कण कण मंदिर का निरीक्षण स्वयं किया हो और मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा होने के पहले पूरे भारतवर्ष के राम मंदिरों में आशीर्वाद ग्रहण करने के लिए प्रवास पर 11 दिनों से निकले हैं। देश को जोड़ने का काम तिरुचापल्ली की रंगनाथ स्वामी मंदिर से मदुराई के मंदिर तक, वाराणसी के मंदिर से उज्जैन महाकाल के मंदिर तक, केदारनाथ से लेकर बद्रीनाथ के मंदिर तक, एक वो कांग्रेस का भारत जोड़ो है जो तोड़ने का काम करता है, एक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का भारत जोड़ो है जहां एक एक पग पर एक एक भारतीय को जोड़ने का काम कर रहे हैं। और अद्भुत देखो क्या रिश्ता निकाला है वाराणसी के साथ तमिल संगम, जो हजारों साल वर्ष पूर्व मनाया जाता था उसे दोबारा मनाने का काम अगर किसी ने किया है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है। 11 दिन ना मुंह में अन्न ले रहे हैं, 11 दिन केवल नारियल पानी पीकर उस प्राण प्रतिष्ठा की तैयारी कर रहे हैं। आप और हम रात को बिस्तर पर सोते हैं, प्रधानमंत्री इस देश के भगवान राम के प्राण प्रतिष्ठा के पहले जमीन पर सो रहे हैं और केवल नारियल पानी पी रहे हैं। मेरे भाई और बहनों, असली भक्ति है तो उन्हें देखो, असली शक्ति है तो उन्हें देखो, असली तपस्या है तो उन्हें देखो, असली विकसित भारत की कल्पना है तो उन्हें देखो, और असली गरीबों का उत्थान की एक कशिश है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को देखो। नारा लगता है तो आज भारत विश्व पटल पर उजागर हो रहा है। मेरे भाई और बहनों, ये झंडा गुना के लक्ष्मीगंज में गड़ा नहीं, ये झंडा भारत का आज विश्व पटल पर गाड़ा जा रहा है। अगर नारा लगता है तो मेरे साथ ऐसा नारा लगना चाहिए कि विश्व में सुनाई देनी चाहिए। बोलो मेरे साथ, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। भारतीय जनता पार्टी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी देश को विकसित भारत बनाने में पूर्ण रूप से दिन और रात। मैंने पहले भी कहा था चुनाव में विदेशी पंछी आएंगी, बसेरा करेंगी और चुनाव संपन्न होने के बाद अगले 5 साल के लिए कायम। आप स्वयं अपने आप प्रश्न ये है कि अगर पार्टी लोकसभा चुनाव से आपको गुना संसदीय से टिकट दे दी, कभी मैं आपने जो शब्द के साथ प्रश्न शुरू किया जी, शब्द का मैं अपने शब्द कोश में जगह ही नहीं रखता हूँ। तो आपने अगर बोला, अगर का जवाब मैं कभी देता नहीं। राहुल गांधी ग्वालियर चंबल सम्मान में यात्रा करने वाले आगे। मैंने कहा ना, अतिथि देव भव, हम लोग अतिथियों का स्वागत करते हैं। और उसके बाद हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।